आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ इफ्तार स्पेशल स्वीट रेसिपी जिसका नाम है गुलगुले। एक बार आप ये घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सिंपल रेसिपी है और बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है। जब इफ्तार की घाई हो तब ये बना दीजिएगा, बहुत ही टेस्टी और घर वाले खाते रह जाएंगे। तो आज के वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारी स्वीट रेसिपी के लिए जिसका नाम है गुलगुले। चलिए हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू रेसिपी। रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले इफ्तार स्पेशल रेसिपी स्वीट रेसिपी। अगर चैनल पे जाए तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा और वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। आज हम बनाने वाले गुलगुले, तो बहुत ही अच्छी रेसिपी है, स्वीट रेसिपी है। तो चलिए शुरुआत करते आज की हमारी रेसिपी। सबसे पहले क्या कर देना है, सबसे पहले ले लेंगे हम लोग मिक्सर। मिक्सर में डाल देंगे सूखा खोबरा और इलायची, और उसमें डाल देंगे हम लोग शक्कर। अब ये सभी को हम लोग अच्छे तरीके से पीस देंगे। ओके, अब चलते हैं हमारे दूसरे स्टेप की ओर। सबसे पहले हम लोग घेहू का आटा ले लेंगे और घेहू के आटे में पानी डाल देंगे हल्का हल्का। ओके, अभी पानी डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे पूरे घेहू के आटे को। ठीक है, इस तरीके से अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है पूरा, और घेहू के आटे को एकदम पतला बैटर बना देना है। इससे अच्छे से पहले लम्स तोड़ देना है उससे। ओके, हल्का हल्का पानी डालते इसका पतला बैटर बना देना है। ओके, अब जो हम लोग ये मसाला जो पीसा है, अब ये जो मसाला है ना, हम लोग शक्कर सूखा खोबरा इलायची ये भी इसमें डाल देंगे हम लोग। देखिए इस तरीके से, अभी इसमें डालने के बाद फिर से हम लोग अच्छे तरीके से इसको हिला लेंगे। इस तरीके से हम खोबरा शक्कर और इलायची का मसाला अब अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे इसको। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद देखिए अब इसमें और थोड़ा थोड़ा हल्का पानी डालते रहेंगे। अभी अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा हल्का हल्का पानी डाल देना है और इसका एक पतला सा बैटर बना देना है। ओके, अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे अभी। देखिए कुछ इस तरह का बैटर अभी बन गया है। अभी अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। और क्या, ये बैटर हमारा रेडी है। अभी तेल गर्म करने के लिए रख दिया उन्होंने। अब तेल गर्म होने के बाद अभी इसमें ऐसा जैसे हम लोग वटाड़ा वड़ा छोड़ते हैं ना सब गोल करके, बस अभी इसमें छोड़ देंगे हम लोग तेल में। ओके, चलिए अब अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे पहला। ये देखिए हल्का सा पतला बैटर हो गया है, अभी बैटर तैयार है हमारा। अभी चलते हैं हमारे तेल की ओर। चलिए तेल अभी गर्म करने में रख दिए है। अभी इसमें डाल देंगे हमारे गुलगुले कुछ इस तरीके से। देखिए इस तरीके से अभी गुलगुले डाल देंगे अभी इसमें, और गुलगुलों को जो है अच्छे तरीके से फ्राई करके ले लेंगे। और इस तरीके से हम लोग डाल देंगे गुलगुले, गुलगुलों को अच्छे तरीके से फ्राई कर देंगे इस तरीके से। देखिए अच्छे तरीके से एकदम फ्राई कर देना है। बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बहुत ही यम्मी लगते हैं हमारे ये गुलगुले स्वीट रेसिपी में, सबको पसंद आएंगे। तो रेडी हो गए हमारे गर्मा गर्म गुलगुले। देखिए ये गुलगुले स्वीट रेसिपी, आप इसको इफ्तार में भी ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। जब इफ्तार में जब खाई होती है, ये फट से झटपट बनने वाली रेसिपी है। देखिए एकदम से अंदर से एकदम सॉफ्ट। देखिए आप भाई इफ्तार में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए टेस्टी और बहुत ही यमी बने थे हमारे गुलगुले, मुझे तो बहुत ही पसंद आए। एकदम सिंपल रेसिपी है, कुछ ऐसा हार्ड काम नहीं है इसमें। फटाफट गुलगुले बन जाएंगे इफ्तार में, इफ्तार में इसको खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी लगते हैं। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और ये वीडियो को शेयर भी करिएगा। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।